हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतनी ज़्यादा टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी सिर्फ गेहूं के आटे से। सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है ना कि जिसके आके आप कचौरी समोसा सारे ही भूल जाएंगे। आप इसे एक बार बना के देखिए, आपका मन बार बार बनाने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कप गेहूं का आटा ले लिया है। 1/4 कप इसमें डालेंगे हम सूजी। इसमें जाएगा अजवाइन क्रश करके। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, वो भी क्रश करके। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। इसमें घी जाएगा मोयंग के लिए। अगर आप घी डालना नहीं चाहते तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये डो आपको किसकी याद दिलाता है? तो बिल्कुल सेम तरीका है बट्टी बनाने का, दाल बाटी की बाटी बनाने का। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मुठिया बन रही है, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें आटा लगा लेना है। ज़्यादा पानी का यूज भी नहीं किया है मुझे, कम से कम 1/4 कप से थोड़ा सा ऊपर उतना पानी लगा है इतना आटा बनाने के लिए। आटा हमें ज़्यादा गीला नहीं चाहिए है, ज़्यादा सख्त मतलब हाँ थोड़ा हमें सख्त आटा चाहिए है। इस तरीके से इसे हम रेस्ट करने देंगे। तब तक चलिए हम इसमें बनने वाली स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 कप उबले कॉर्न ले लिए हैं। इसमें जाएगा आधी कटी शिमला मिर्च, 1 कटी हरी मिर्च, जाएगा धनिया पत्ता कटा हुआ। यहाँ पे मैंने प्रोसेस क्यूब लिए है चीज़ के, जिसे हम ग्रेट कर देंगे। तो आज मैं पनीर और चीज़ की बाटी बना रही हूँ। आप इसे एक बार बना के देखिएगा, सच में आपका मन बहुत करेगा बार बार खाने के लिए। ये चीज़ ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहे तो, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब मैंने ले लिए हैं। अब इसमें जाएगा पनीर, तो ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया था। इसे भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना मोज़रेला चीज़ लिया है, ये भी ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद के लिए। यहाँ पे चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने चिली पाउडर डाला है। थोड़ा सा इसमें जाएगा ओरिगानो। इसे अच्छे से मिक्स करना है। स्टफिंग तो ऐसे भी काफ़ी बढ़िया लग रही थी। तो ये देखिए हमारा आटा भी लग चुका है और स्टफिंग भी रेडी है। तो अब बारी आती है बॉल्स रेडी करने की। इसे भी हम साइड में रखते हैं और चलिए आटे को लेते हैं वापस से। आटे को अच्छे से एक बार नीड कर लेना है। इसके अंदर मोयन इतना है ना, तो इसे वापस से तेल या घी से नीड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे ही कर लीजिए। अब एक बॉल साइज जितना पोर्शन इसमें से निकालना है। इसकी लोई बना के इसे हमें एक कटोरी वाला शेप देना है कि ताकि जिसके अंदर हम इस ये वाली स्टफिंग भर सके। इस तरीके से इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जितना स्टफिंग। स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग रखिए कम ज़्यादा। अच्छे से स्टफ करना है और सारे ही कॉर्नर्स को लेके इसे स्टिक करना है। एक बॉल का शेप देना है, जैसे हम बट्टी के लिए शेप बनाते हैं सेम उसी तरीके से। आप इस रेसिपी को पनीर चीज़ बाटी भी बोल सकते हैं, पर यकीन मानिए इसके आगे सच में समोसा कचौरी कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कचौरी रेडी की है, कचौरी वाली बॉल। और मज़े की बात बताऊँ,
इसमें सिर्फ 2 टीस्पून 2 बूंद ऑयल ही यूज होने वाला है, ना ही हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारी ही बॉल्स बनके रेडी है। अब क्या करना है, ऐसे तो वो अच्छे लग ही रहे हैं बट मुझे एक्स्ट्रा इस पे डिज़ाइन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ की सहायता से इसे हल्के से ऐसे कट लगा दिया है, जिससे कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। ये देखिए जब ये बेक होते हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके से मैंने सारे ही बॉल पे डिज़ाइन कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एक अपम मेकर लिया है, जिसे हम हीट कर लेंगे और थोड़ा सा उसमें तेल डालना है हमें। तेल से हम ग्रीस करेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं आराम से, कोई गेस्ट आ रहा है या फिर आपके घर में पार्टी वगैरह कुछ है तो आप ये डिश आराम से बना सकते हैं, सब आपकी तारीफ ही करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे ही बॉल्स रख दिए हैं। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट होने देना है, बेक होने देना है। अलट पलट कर हमें इसे सेक लेना है सभी साइड से। आपको मैं दिखाती हूँ पलटने के बाद कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, कि क्या ही बताऊँ। ये देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा आया है। तो बस बैक साइड भी हमें इसी तरीके से बेक करना है। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म कचौड़ी, बोल सकते हैं कचौड़ी रेडी है, आटे का नया नाश्ता रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। ये देख सकते हैं ये आपके लिए, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही। वाव, इसे आप शेजवान चटनी या केचप के साथ खाए या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मिलते हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।